Hi, I am your physics sarthi, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. Hello students, अभी हम थोड़ा questions discuss करेंगे जो progressive wave के अंदर आता है. ये sound chapter के अंदर आएगा mainly. Chapter is sound. उसके अंदर आएगा progressive wave. उसके अंदर जो questions आए थे MHCET का उसका थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने पिकअप किया वो 2008 का क्वेश्चन था. 2008 में क्वेश्चन क्या है? द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ए ट्रांसवर्स वेव इज, पता है सबको क्या ऑप्शन है? जीरो. बी ऑप्शन क्या है? पाई बाई फोर. सी ऑप्शन क्या है? पाई बाई टू. डी ऑप्शन क्या है? पाई. बोलो क्या होगा, क्या होगा? सबको पता है एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी. पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी जैसे हम करते हैं हमेशा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि थ्योरी हमें याद आ जाए. तो इधर ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात कर रहा है. ऐसे ट्रांसवर्स वेव होता है, एक पार्टिकल इधर ऐसे ऐसे मूव करते हैं, करेक्ट? Each particle of this wave moves along the y-axis. And wave किधर जाते हैं? Along x-axis. हम सबको ये पता है कि नहीं? Wave का condition क्या है? कि हर एक particle ऐसे ऐसे move करेगा. जब वो move करेगा, तो बाजू वाले जो particle है, next particle, उसको वो pull करते हैं. मीडियम इलास्टिक मीडियम. ओके, तो ये पार्टिकल जब ऊपर जाता है, ये वाला बाजू वाले पार्टिकल को भी ऊपर लेके जाता है. इसीलिए ये पार्टिकल जब इधर आया, ये पार्टिकल इधर आया, धीरे 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 ऐसे ऐसे करके वेव बन जाता है. एनर्जी फ्लो हो जाता है इधर, जिसको हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं. वेव इधर फ्लो होता है, मूव करता है. एंड पार्टिकल इधर मूव करता है. बी ऑफ पार्टिकल इधर मूव करता है. ऑल द पार्टिकल्स. तो एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ए ट्रांसवर्स वेव. आपको दिखाई दे रहा है पार्टिकल जा रहा है वाई डायरेक्शन पे, वेव जा रहा है एक्स डायरेक्शन पे. तो एंगल बिटवीन देम कितना होगा? 90 डिग्री. पाई बाय टू. Thank you for watching. In this way, I have explained last 20 years of questions. If benefited, do watch.